माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हम बैठे हुए आप लोग देख रहे हैं छत में। मैं आई थी कपड़ा डालने, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। वैसे भी टाइम है 10:30 बज रहे होंगे, और आज भी यहाँ सुबह मौसम थोड़ा ठीक नहीं था, हल्की हल्की बदरी थी और बारिश भी हुई है। तो वही नाश्ता करते करते ना एक लगाव सा ही हो जाता है जब कोई अपना आ जाता है। तो रेसू, हम दोनों लोग नाश्ता कर रहे थे तो आपस में बातें कर रहे थे, तो रेसू कह रही हैं कि भाभी हो सकता है हम कल चले जाएं। तो आप लोग तो जानते हैं ना, जहां हम सुंदरकांड में गए थे वही जो हमारी चाची जी रहती हैं रुचिखंड में, तो वहीं चाची जी की पोती का ही बर्थडे है, कल फंक्शन है, तो उसी में सभी लोग गांव से आएंगे, चाचा जी और हमारी नंद लोग सभी लोग आएंगे, देवर जी भी सभी इलाहाबाद से भी आएंगे। तो रेसू अभी वही कहने लगे कि भाभी हो सकता है हम कल चले जाएं, तो एकदम से चेहरा उदास हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आज हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं, एकदम से हड़बड़ी सी लगी हुई है। और 15-20 दिन हो गए हैं रेसू को भी यहाँ आए हुए, तो आप लोगों ने देखा कि नंद रानी भी चली गई और अब रेसू की भी तैयारी हो रही है। तो पता है एक इतना अच्छा लगाव सा हो जाता है जब कोई आ जाता है, और थोड़ी बहुत हेल्प भी मिलती रहती है कि चलिए रेसू हैं तो ये कर रही हैं, रेसू हमारे लिए चाय बना रही हैं। वैसे भी हमारी नंदें सब बहुत ही अच्छी हैं। तो टाइम तो अब खाना पीना तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है क्योंकि वहाँ आ रहे हैं, तो शाम को पार्टी भी है, तो अब देखते हैं क्या कैसे है। और आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, एकदम से उदासी सी छाई हुई थी। नाश्ते में भी हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं तैयार किया था, वही हल्का फुल्का वाला नाश्ता था। तो चलिए जब भी मतलब जब सब लोग आएंगे तो सबसे मिलाएंगे कि कौन कौन आ रहा है। वैसे हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब वैसे भी आप लोग कहते होंगे कि तबीयत ठीक नहीं है तो क्या कैसे मैं ब्लॉगिंग कैसे कर रही हूँ, तो हम ना तबीयत भी ख़राब होती ना तब भी घर के काम में लगे रहते हैं, यही होना ही चाहिए। अगर तबीयत ख़राब हो और आप बिस्तर ले लेंगे ना तो वो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाएगी, और अगर आप थोड़ी बहुत काम में लगे रहोगे तो तबीयत अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो देखिए सुबह से इतने सारे काम भी हुए और कपड़े भी डालने आ गए, और अभी सभी लोगों को आना भी है। अब देखिए वैसे भी चलिए जो भी आएंगे नंद और देवर सभी से आप लोगों से भी मिलवाएंगे, और आज इसीलिए हमारा चेहरा इतना उदास उदास है कि मतलब आने के बाद जब कोई जाता है ना तो बहुत वो लगता है। जब कोई आता है तो एक अलग सी खुशी होती है कि खाने में क्या बनाना है और उन लोगों के लिए नाश्ता क्या तैयार करेंगे। तो मनु है आवाज़ दे रहे थे, कह रहे थे माँ कहाँ हो, तो हम कह रहे थे हम छत में हैं। तो वही जब सब लोग आ जाएंगे तो सभी से आप लोगों को मिलवाएंगे कि कौन कौन आ रहा है। तो वैसे भी जब हमारे ससुराल की भी पार्टी बहुत ही अच्छी है, और जब सबको मैं देख लेती ना तो इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है। हम लोग खूब गप सड़ाके करते हैं और हंसना बोलना, तो वैसे ना सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मायके में भी सब जानते हैं कि सब मेरा परिवार कैसे है, और सब हम जब साथ में बैठ जाते हैं ना तो एकदम से टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कब सुबह से शाम हो गई। तो चलिए जब सब लोग आ जाएंगे तो सबसे आप लोगों को मिलवाते हैं और हंसी मजाक के साथ में मिलते हैं सबके साथ में। और इधर आप देख सकते हैं कि फटाफट हम लग गए हैं, थोड़ा मैगी बना लेते हैं टमाटर और मटर डाल करके, और सब लोग आ गए हैं तो चलिए सबसे मिलवाते हैं। और फटाफट थोड़ा सा दलिया की खिचड़ी भी बना लेते हैं इसमें टमाटर वगैरह डाल करके। तो फटाफट आप देख रहे हैं कि ये भी हमने निकाल लिया दलिया और दाल, और सब हमारे देवर राजा भी सज रहे हैं, क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, तो चलिए मिलिए सबके साथ में। तो ये देखिए क्रीम लगा करके हमने बताया बिल्कुल चमक रहे हैं और सभी लोग तैयार हो गए, एक से बढ़ करके एक की तैयारी है। तो ये देखिए ये प्यारी सी हमारी नंदरानी सबसे छोटी वाली, और सब इधर सबका चाय नाश्ता चल रहा है। देखिए ये तो आप पहचानते हैं ना, रश्मि को भी जानते हैं। और ये सबसे गुड़िया आई हुई है, क्या है, क्या नाम है? कशिश। तो कशिश नाम है, पता है इनको क्या बोलते हैं? कलसी बोलते हैं। इनके भाई का नाम है कलस और इनका नाम है कलसी। क्या बोलते हैं? कलसा कलसा। जब तक कलस नहीं सस्ता है ना तब तक बिल्कुल शादी फंक्शन कुछ भी नहीं होता है आंगन में, जब तक कलस नहीं सस्ता। सबकी मस्ती चल रही है। और पार्टी करने के बाद ना रेसू कल चली जाएंगी इलाहाबाद,
रेसु का है वहाँ पेपर, तो रेसु अब 2 महीने बाद ही आएंगी। आप लोग पूछते हो ना कि रेसु कौन है, तो ये है मेरी प्यारी प्यारी नंदे, सब आई हुई हैं और जा रही हैं पार्टी में। अच्छा अच्छा, वो बोल रहे हैं कि प्यारे प्यारे, नहीं 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 बोल रहे हैं प्यारे प्यारे, तो ऐसे तो चलता है। तो आप लोग देख रहे हैं और रेसु का ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे भी मुझे भी पीला कलर पसंद है और रेसु को भी, हम दोनों की चॉइस एक ही है। और रश्मि का भी ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमको भी, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अब पता है हम नहीं जा रहे हैं पार्टी में, ये लोग हमें लेके नहीं जा रहे हैं। और छोटी सी प्यारी सी गुड़िया की आज है पार्टी, आज है उसका बर्थडे, तो क्यों नहीं हमको लेके जा रहे हो? तबीयत नहीं ठीक है। सब मस्ती पे लगे हुए, अब अंदर हम सबको दिखा रहे हैं कि सब लोगों की मस्ती इधर कैसे चल रही है। हमारी नंद रानी तो ये देखिए, सब जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक भी रोल है, देखिए सब बाल वाल बड़े सेटिंग करा के और सब हमको छोड़ के जा रहे हैं। हम ना पार्टी में जाना बहुत ही, और इधर भी रेसु भी कुछ ना कुछ करने में लग गई, हम भी चले। नहीं देवर जी बता तो दिए कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं। हम जो दो खुलेंगे आज के वो ये हमारी नंद रानी, ये देखिए रश्मि का क्या गिर गया, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, कहा झुमका दिखा के छुपा रहे हो। इनका झुमका गिर गया था, आप पहन ली, अभी अभी गिर गया था, खोते खोते बच गया। अब खुशबू से मिला रहे हैं, तो खुशबू का झुमक देखिए कितना प्यारा लग रहा है, वाओ देख सकते हैं आप। और खुशबू इधर आइए, ये देखिए वाओ कितना अच्छा प्यारा प्यारा सेट है। और ये पूरा सेट देखिए, तो चलिए अभी सबसे मिलवाती हूँ और सब एक से बढ़ करके एक यहाँ मेरी नंदरानी सब कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं पार्टी के लिए। और जितना ये तैयार हो रही है ना, मेरा मन अंदर से ना पता नहीं कुछ 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 हो रहा कि तबीयत ठीक हो गई है, जा सकते हैं पर पूरी तरह से ठीक नहीं ना। और ठंडी आज बाहर बहुत है, सुबह से बारिश भी हुई है, मौसम अच्छा नहीं है, इसीलिए हम नहीं जा सकते। और कलसी देखिए, अब कलसी ड्रेस पहन ली है, देखिए क्या पहने हो। हाय, तो चलिए थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलते हैं। सबके साथ में जब बिल्कुल तैयार होकर के लोग निकल लेती हैं तब मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी प्यारी सी नंदरानी सज गई हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। तो आप लोग भी बताइए कि कैसी लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। अब बाल भी हमने खुला ही इनके करवा दिया है कि आप बाल खुला करने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो सब लोग पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं और निकल लिए हैं, तो चलिए हम नहीं जा रहे हैं और ना ही बच्चे जा रहे हैं। तो चलिए सब लोग नीचे उतर लिए हैं और सबको भेजने के बाद, आज था शुक्रवार तो हम मंदिर भी नहीं जा पाए हैं भजन कीर्तन में, तो हर शुक्रवार को तो वहाँ जाते हैं, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि इनको भेजने के बाद टाइम वही 6:30 ही बज रहे हैं, तो ये लोग सब जा रहे हैं तो इन लोगों को भेज देते हैं। यहाँ थोड़ा अंधेला है, आप देख रहे हैं जीने से उतर, अब ये सब लोग नीचे गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो आप लोगों से भी हाय बाय बोल रहे हैं। और हो सकता है उधर से लोग पार्टी करने के बाद सब लोग निकल जाएँ गाँव के लिए, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और एकदम से हमारा तो मन एकदम से उदास हो रहा है कि आने के बाद जब कोई जाता है ना, तो बहुत ही एकदम से आँखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। और अब चल रहे हैं हम मंदिर, अब थोड़ा सा दर्शन भी कर लेते हैं भोले बाबा के, कीर्तन तो हो गई, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अब दर्शन करने के बाद ही मैं घर जा रही हूँ। और घर जाने के बाद अब देखते हैं क्या कैसे घर में बच्चों के साथ। तो आप देख सकते हैं भोले बाबा के दर्शन कर लिए और इधर है राम जी माता जी और सभी लोग भजन कीर्तन करके चले गए हैं बजरंगबली। तो सबके दर्शन करने के बाद अब बच्चों के साथ मिलते हैं। अब बच्चों की इधर चल रही है पार्टी, घर आते ही इन्होंने अपने पापा से सब मंगवा लिया था कि सब लोग बुआ लोग गई हैं पार्टी में, तो पापा हमारे लिए आप कुछ ना कुछ लेकर के आइए। तो सब यहाँ भी इन लोगों की चल रही है पार्टी। अब हम यहीं पे वीडियो को एंड कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।